हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियो देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल आई रियली नीड योर सपोर्ट ओके सो टोडेज़ टॉपिक इज अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है एक्सेप्टेंस देखेंगे जैसे कि हमने सेक्शन फोर में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कम्प्लीट होता है वैन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेर कि जिस व्यक्ति के लिए वो प्रपोजल बनाया गया है उसके नॉलेज में आ जाए तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाता है अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का हो गया है उसको एक साइड में रखते हैं आज हमको देखना है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यह लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ़ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफ़र कंप्लीट्स एट डिफरेंट टाइम्स अगेंस्ट द ऑफर एंड द ऑफरी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफ़र कम्प्लीट होता है अलग अलग टाइम पे अगेंस्ट द ऑफर एंड द ऑफरी दोनों का केस हम पढ़ेंगे जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में हमने पढ़ा था कि जब ऑफरी को पता चल जाए ऑफरी के नॉलेज में आ जाए तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होता है लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में दो केसेस हैं अगेंस्ट द ऑफरर या प्रपोजर एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये ऑफरर है ये ऑफरी है ये उदयपुर में रह रहा है ये उदयपुर है और ये दिल्ली में है ऑफरर ने लेटर ऑफर किया या फिर एक प्रपोजल रखा ऑफरी को और ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी तो अब हम उसको ऑफरी ना कह के क्या कहेंगे एक्सेप्टर आपको ध्यान रखना है आप जब भी मैं एक्सेप्टर का नाम लूँ तो आप समझ जाना कि मैं ऑफरी की बात कर रही हूँ हम लोग बाय पोस्टल बात कर रहे हैं ऑफर ने एक जनवरी को ये प्रपोजल सेंड किया और थ्री जनवरी को ऑफरी के पास रिसीव्ड हो जाता है अब ऑफरी ने क्या किया कि फाइव जनवरी को ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है यानी कि जो लेटर ऑफरर ने सेंड किया था ऑफरी को और जिस पे ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी थी उसको हम देंगे एक्सेप्टेंस लेटर तो अब ये एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरी ने फाइव जनवरी को क्या कर दिया बाय पोस्ट सेंड कर दिया ऑफरर को और इसके पास सेवन जैन को रिसीव्ड हो जाता है ये वाला एग्जांपल हमने देख लिया अब लोग हम लोग थोड़ा तो लैंग्वेज में जाते हैं यहाँ लिखा है अगेंस्ट द प्रोपोजल या ऑफर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कब कम्प्लीट होगी वेन इट वेन इट इज़ पुट इन टू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन और जिस टाइम पे एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर को क्या किया है पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन किया है पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि डिस्पैच किया है एक्सेप्टेंस लेटर को अब डिस्पैच कर दिया है एक्सेप्टेंस लेटर को अब एक्सेप्टर के ये पावर के बाहर है इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टर सपोज हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं मेरा एक एजेंट है मैंने उसको कहा कि ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है आप पोस्ट करके आ जाइए वो एजेंट यानी कि वो मैं ही हूँ वो मेरे भी हफ पे काम कर रहा है अब अब ये अपन के पावर में है कि हम उस एजेंट को कह सकते हैं कि आप ये एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट पे मत डालिए तो ये हमारे पावर के अंदर है ठीक है कोर्स ऑफ ट्रांसमिशंस मीन्स क्या है वो प्रोसीड हो गया है अब वो ऑन द वे है जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट पे डाल दिया है डिस्पैच कर दिया है तो बाउंड कौन होगा ऑफरर बाउंड होगा अब ऑफरर बाउंड है अब ऑफरर मना नहीं कर सकता नाउ ही इज बाउंड ही हैज टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन नॉट डिनाई ही कैन नॉट रिवॉक्ट द ऑफर ओके दूसरा केस है अगेंस्ट द एक्सेप्टर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर अब एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर acceptor के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा वेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए यानी कि जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर को डिस्पैच कर दिया है और जब सेवन जनवरी को ऑफरर जो उदयपुर में रह रहा है वो रिसीव्ड कर देता है यानी कि उसके नॉलेज में आ गया है तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर यहां कंप्लीट होगा और बाउंड कौन होगा यहाँ पे ऑफरी यानी कि एक्सेप्टर नाउ नाउ द एक्सेप्टर कैन नॉट डिनाई और रिवोक द एक्सेप्टेंस लेटर ही इज बाउंड नाउ एक और बात क्या एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक कर सकता है द आंसर इज़ यस कब कर सकता है सेवन जनवरी से यानी कि ऑफरर को ऑफरर के नॉलेज में आने से पहले पहले वो रिवोक्ट कर सकता है सेम केस क्या ऑफरर रिवोक्ट कर सकता है यस yes, ऑफर भी रिवोक कर सकता है ऑफरी के नॉलेज में आने से पहले पहले ओके थैंक यू